इस दफा मिलियंस का तो नहीं पता, लेकिन अभी हमारी जो है ना मिलियन हो गई। आपकी मिलियन हो गई है। काटेगा फात भाई से नहीं, फात भाई देख रहे हैं, फात भाई काटेगा, फात भाई काटेगा। ओए 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 भाई साहब, ओ भाई साहब, अबे ये मिलियन भाई, लेकिन ब्लॉग ब्लॉग का टकरा हो गया, ब्लॉग ब्लॉग एक ही डायलॉग सबने याद किए। मैं कुर्बत का शरफ उनको बख्शा, ये अगर नीचे गिरेगा तो क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, माय न्यू व्लॉग। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैं व्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। तकरीबन एक साल पहले मैंने लास्ट व्लॉग डाला था, मुझे याद है, और बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियोस पर कमेंट किया, मेरे टिकटॉक पर भी कमेंट किया कि आप व्लॉग क्यों नहीं बनाते। तो भाई साहब, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेरी अपनी TR की प्रोडक्शन है जिस पर हमारी नातें आती हैं बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम कसीदा बुर्दा शरीफ आया था, यूट्यूबर्स नात, जो कि अभी 3.7 मिलियन हो चुका है। तो अभी एक और प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, तो मैंने कहा कि यार ये तो बहुत कीमती लम्हात हैं, तो ज़रूर व्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट करनी चाहिए। एक मौका मिल गया तो आपका भाई दोबारा से एक दफ़ा व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है। अभी हम सदर के लिए निकल चुके हैं, सदर के अंदर हमने कुछ करनी है शॉपिंग सुबह के शूट के लिए, क्योंकि मसला ये हो कि मुझे अभी तक ऑडियो भी मैंने रेडी नहीं की कि जो सुबह हमने शूट करना है। लेकिन उससे पहले ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मार्केट्स बंद हो जाएंगी, बल्कि बंद हो भी चुकी होंगी, क्योंकि अभी बज रहा 10:15 और 10:15 बजे पता नहीं कौन सी मार्केट ओपन होगी। लास्ट टाइम हमने सफ़ेद कलर के जुब्बे पहने थे, तो इस बार भी हमारा यही प्लान था कि हम ब्लैक सिलवाएंगे, लेकिन टाइम ही हमारे पास बहुत ज़्यादा कम था। तो फिर सबने डिसाइड किया कि जिसके पास ब्लैक सूट पहले से रखा होगा तो वही पहनेंगे। लेकिन हमारे मिशकात बहने का कि भाई मेरे पास तो नहीं है, लिबास बहने का मेरे पास भी नहीं, फात बहने का मेरे पास भी नहीं। अब हमने कहा कि अब हम जल्दी में क्या करें, टेलर तो इतनी जल्दी सीखे नहीं देगा, तो हमने सोचा चले मार्केट से परचेज कर लेते हैं। तो अब सारे ये बिजी थे, तो मैंने कहा चलो मैं जाके लेके आता हूँ। तो मैं सदर के लिए निकल चुका हूँ, मेरे साथ हैं मेरे अली भाई। हाँ भाई, क्या हाल है? और अली भाई ने कहा कि भाई मुझे भी जो है ना ट्राउजर शर्ट्स लेना है, मैं भी सुबह शूट के लिए जाऊंगा। तो फिर अली भाई भी शूट पर होंगे, आपको शूट भी दिखाएंगे कैसा हो रहा है, और ऑडियो भी अभी मैं जाके रेडी करूंगा तो आपको दिखाऊंगा। भाई साहब, ये तो सारी मार्केट बंद पड़ी हुई है यहाँ सामने, लेकिन यहाँ पर कुछ शॉप्स खुली हुई हैं। जल्दी से गाड़ी को पार्क करते हैं और चल के देखते हैं कि हमें वहाँ पर कुछ मिलता है या नहीं मिलता। आ जाए चले भाई। ये है भाई शॉप जो हमें मिल गई है, ये वाला सही लग रहा है अली, ये वाला है ना, अच्छा लग रहा है ना। यहाँ तो देखे शॉप्स बंद होने लग गए, अगर हम थोड़ा सा भी लेट आते ना। सूट की परचेसिंग तो हमने कर ली है सर, अभी रह गया जो साइज का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, वो हम टेलर से सही करवाने जा रहे हैं, और टेलर भी बंद होने वाला था, हमने कहा जल्दी जल्दी में करके दें हमें। सही है भाई, बैन हो गया। तो फाइनली गाइज, हमने ले लिए हैं सारे सूट, उसको मेजरमेंट भी करवा लिया है और एडजस्ट करवा लिए, सब करवा लिए। अब देखें मैं निकल रहा हूँ वापसी के लिए, और मार्केट्स देखें सब बंद हो गई। देखें हम लेट होते तो हमें सूट नहीं मिल पाते, और हमारा सुबह का प्लान सारा चौपट हो जाता। तो अभी हम घर जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आपने भी लेना है? क्या लेना है? ट्राउजर शर्ट लेना है भाई अली ने, लेकिन मार्केट तो सारी बंद हो गई है। दूसरी मार्केट में जाएंगे भाई, अभी देखते हैं अली हैदर को मिलता है ट्राउजर शर्ट नहीं मिलता। हमारी गाड़ी कहाँ चली गई भाई साहब? गलती से मैं दूसरी तरफ निकल गया था, और गाड़ी मेरी जब मुझे नज़र नहीं आई, मेरी तो पांव से ज़मीन निकल गई। तो फिर दूसरी तरफ से मैं आ गया हूँ, तो देखें ये शुक्र है हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई, तो भी हम जाते हैं, वरना तो यकीन करें बिल्कुल हार्ट अटैक होने वाला था मुझे कि गाड़ी गायब हो गई। हाँ भाई, आप कौन हो? अब हमने वापसी जाना है, ऑडियो रेडी करनी है, 3:30 बजे आ जाएंगे, ऑडियो तो रेडी नहीं हमारे पास, तो फिर किस तरीके से सुबह वीडियो शूट करेंगे। जल्दी से पहुंच रहे हैं हमने भाई। अली की किस्मत तो बहुत अच्छी है, पूरी मार्केट बंद है, लेकिन ये एक छोटी सी मार्केट खुली हुई है, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अली के ट्राउजर शर्ट मिलते हैं या नहीं मिलते। हाँ भाई, पसंद आ रही है कोई चीज़? हाँ, खुश कितने हो गए आप? कौन सी अच्छी? दोनों लेनी है? वाह। तो गाइस, फाइनली अली हैदर का भी हमने शॉपिंग कर ली है, और इनकी ट्राउजर शर्टें ले ली हैं। अब बातों में याद नहीं किया कि हमने तो शर्टिंग भी करानी है, और ये बियर्ड शर्ट सब बनवानी है। सुबह शूट है और बिल्कुल भी कोई काम नहीं करा यार, कैसे हो पाएगा पता नहीं कैसे होगा। तो अभी जा रहे हैं फटाफट, देखते हैं कि आगे क्या क्या हमने करना है, सब आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। भाई मुझे याद है, मैंने तो अपनी वोकल्स भी नहीं दी कलाम के अंदर, मैंने कहा था चलो कलाम बिल्कुल फाइनल हो जाएगा उसके बाद मैं वोकल्स दूंगा, वोकल्स भी देनी है, कुछ भी नहीं हो पाया यार। भाई साहब, रात के 1 बज रहे हैं, और आप ये ट्रैफिक देखें कितना जाम हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद, इतना ट्रैफिक जाम था, मैंने आपको दिखाया, स्टूडियो पहुँच चुका हूँ। ये हमारा ट्रैक है,
और इसके ऊपर कंप्लीट काम करना है और टाइम भी बहुत कम रहेगा। अभी सारे यहाँ पर स्टूडियो पे जमा हो जाएंगे, उसके बाद हमने शूट पर निकलना है, तो जल्दी से इस कलाम को मैं फाइनल करता हूँ। हम जा रहे हैं हमारे एक और जबरदस्त शूट पर। लास्ट टाइम जैसे कसीदा बुर्दा शरीफ शूट किया था, इस दफा हम एक और रबी लवर में नाच रहे लेके आने वाले हैं, और हमारे साथ हैं निष्कात भाई इबाद में, पूरे काले काले हमारी पूरी गैंग है भाई। इस दफा भाई इबाद खाने का कलर ब्लैक होता है ना ये डायलॉग तो याद हो गया, तो ये डायलॉग हम रिपीट करेंगे हर हर व्लॉग में। हमारे साथ इस दफा काशन भाई भी है। अस्सलाम वालेकुम काशन भाई। व्लॉग व्लॉग का टाकरा हो गया, एक ही डायलॉग सबने याद किया है इस दफा तो। और ये हमारे मुस्तफा भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई, कैसे? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? ये तो पर्दे के पीछे का राज फाश कर दिया मुस्तफा भाई ने। ये गैंगस्टर के हमारे लीडर है। अच्छा, ब्लैक ब्लैक कपड़े, ब्लैक डाबा, आंखों में खून आया। सोचा कि भाई खाना खाएंगे तो बड़ा लेट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमने सोचा कि कुछ स्नैक्स वगैरह ले लें। ये हमारी एक गाड़ी, एक वहाँ पर भी वो मुस्तफा भाई की गाड़ी वेट कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या सीन है, क्या ले रहे हो भाई? हमने ले लिया एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक ले लिया, एनर्जी से नाद बनेगी। सारी रात सोएंगे तो फिर एनर्जी लेके नाद पड़ेंगे। वाह, जिन को दिखा, जिन को कान जिन, ये कौन है? अली भाई, नाद भाई, आपका चश्मा? अरे बाप रे बाप रे बाप रे, मुस्तफा भाई की वो बेबी पसंद है ना, वो हमने ले ली। ये रही बेबी। अच्छा, ये देखे भाई साहब, ये है खूबसूरत सी लोकेशन, और यहाँ पर हमने करने वाले हैं बहुत जबरदस्त अपने कलाम का शूट। इस पहाड़ पे चढ़ेंगे, शाम तक पहुँचेंगे ऊपर? अबे 15 मिनट में पहुँचेंगे। 15 मिनट में पहुँचेंगे। चले, आप पहले चढ़ के दिखाइएगा ऊपर कैसे पहुँचने। खिलाए भाई, क्या है वो चढ़ना भी नजर आ रहा है, आज साफ है यार। चेक करें जरा, यहाँ पर हर बंदा व्लॉग बना रहा है, और एक हम भी व्लॉग बना रहे हैं, सब व्लॉग बना रहे हैं यहाँ पर। ये देखें काशन भाई, आप व्लॉग नहीं बना रहे? काशन भाई जल्दी से व्लॉग बनाए, नहीं लगता कि व्लॉगिंग पे ही सारा टाइम गुजर जाएगा। मुस्तफा भाई सारे लगे हुए सर। अरे बाबा साईं जल्दी से खड़े जाओ अपनी अपनी जगह पर, क्या है बाबा साईं? धूप चपेटे मार रही है बाबा साईं। चलो भाई, सबसे पहले है असु बुबदा मिन तौलाती ही, फिर मुस्तफा भाई आपकी लाइन है वल्लुदा मू आफराती, और उसके बाद है नूर सहर चेहरे से तेरे, है नूर सहर चेहरे पे तेरे, चेहरे से तेरे, चेहरे से तेरे। हाँ, आई एम अ टीचर। ओके ओके, और उसके बाद क्या था? टीचर भूल गया। और शब की रौनक जुल्फों से, काशन भाई की लाइन है, और शब की रौनक जुल्फों से, फिर है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे को याद है तो मैं ऐसे भूल लेता हूं, ये तो याद है, याद है। फिर दोबारा अल्लाह अल्लाह है। चलो डन हो गया, आ जाओ आ जाओ, स्टार्ट करो स्टार्ट करो, जल्दी से स्टार्ट करो, चलो जल्दी से स्टार्ट करो। टाइम मकावा, बहुत कड़क धूप है और मुंह पे चपाटे लग रही हैं, और ये पीछे से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इसीलिए उतार दी क्योंकि पीछे समंदर आ रहा है। चलो आप स्पीकर को इधर रखो, स्पीकर इधर रखो, इधर क्यों भाई? मुस्तफा भाई लाइन है साथी शजरु नतकल हजरु, और मिशकात भाई आपकी कौन सी लाइन है? साथी शजरु नतकल शक्कल कमरु भी इशारती, उंगली के इशारे पेट चले,
भाई साहब अभी तो शूट स्टार्ट हुआ, अभी सब थक गए हैं। काशन भाई एनर्जी खत्म हो गई बिल्कुल। यार क्या हो गया? कुछ खाया भी नहीं। ये चेक करें जरा, ये चेक कर नहीं आ रही। लाइन बता दे यार, लाइन आपकी भी बताते अगले सेशन के अंदर। यार भाई क्या सीन है, लोटा ला दें आपको, लोटा ला दें आपको। मुस्तफा भाई आप तो बिल्कुल थक गए। 15 मिनट में पैकअप है। ऑर्डर आ गया जी, ऑर्डर आ गया, 15 मिनट में पैकअप है। आप कहाँ चले गए थे शूट छोड़ के? यार बहुत गर्मी हो रही है भाई। पेशाब तो नहीं आ रहा? नहीं पेशाब नहीं आ रहा, बहुत गर्मी हो रही है। चले पसीना साफ कर लें, अल्लाह बेहतर करेगा। भाई एक लोकेशन पर शूट कंप्लीट हो चुका है और सब बिल्कुल थक चुके हैं। ये देखे कोई जो है ना समुंदर के अंदर एंजॉय कर रहा है और कोई यहाँ पर छाँव के अंदर एंजॉय कर रहा है। मुस्तफा पिछली दफा तो हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था लेकिन 3.7 मिलियन आए थे जी। हाँ इस दफा क्या कहते हैं? इस दफा मिलियंस का तो नहीं पता लेकिन अभी हमारी जो है ना मिलियन हो गई। आपकी मिलियन हो गई है लेकिन इस दफा इंशाल्लाह प्रिपरेशन से कर रहे हैं ना बिल्कुल, तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। अभी तो चढ़ने पहाड़ के ऊपर, अभी आपके अंदर हिम्मत है पहाड़ पे चढ़ने की? अरे वाह हिम्मत बहुत है। लेकिन मुस्तफा भाई के अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं पहाड़ पे चढ़ने की। क्या प्लान है? हाई जैकिंग पहाड़ पे चढ़ने की बात कर रहे हो यार? क्या यार छोटी बात कर दी तुमने यार। वाह उधर देखे सारे रेस्ट कर रहे हैं और आप ये चले यार भाई चले। ये हो रहा है मुस्तफा भाई का सोलो शॉट, अभी सोलो शॉट ले रहे हैं इंसर्ट्स वगैरह चलते हुए और ऐसे। आ जाओ आपका भी ये भाई। ये क्या सीन है, गाड़ी खुद ब खुद चल रही है मुस्तफा भाई, ये क्या सीन है? भाई साहब वाह वाह, ओ भाई साहब केकड़ा चेक करे, पकड़ ले फाद भाई केकड़ा। फाद के लिए चैलेंज है फाद भाई, केकड़ा पकड़े। बहुत सारे जानवर हमने देखा भाई, फाद ना पकड़े, पकड़ो। ओए भाई साहब काटेगा फाद भाई, नहीं फाद भाई देख रहे हैं, फाद भाई काटेगा, फाद भाई काटेगा। ओए 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 भाई साहब, ओ भाई साहब, अबे अम्मी ने काट दिया फाद भाई काटेगा। दबाव नहीं करना जाए यार, ये देखो ये उठा कर ही अपने हाथों से पकड़ लेगा फाद। केकड़ा खा लिया, अब बोलो चाट भी लिया, कैसे तुम्हारा चाट की चाट की दिखाओ, मैं खाता हूँ केकड़े भाई। आप केकड़े खाते हैं? हाँ बहुत फायदेमंद होता है भाई। यार चिंग चौंग चंग चाइना, अभी जितनी भी हमें थकन हुई है ना, अब इंतहा किस्म की थकन होने वाली है क्योंकि अभी हमें मिला है एक जबरदस्त किस्म का चैलेंज और वो चैलेंज ये है कि हमने इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। बात भाई आपको तो आप तो भागे भागे ऐसे जा रहे हैं कि जैसे आप फुल एनर्जेटिक है अल्हम्दुलिल्लाह और फुल एडवेंचर आप करना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बात भाई की व्लॉग में देखना है, बात भाई मुझे कह रहे थे जो है ना सुभान अल्लाह क्या कहते हम कहां जा रहे हैं, कह रहा था एडवेंचर जो है वो लड़कों के साथ किया जाए तो ये एडवेंचर क्या खाक एडवेंचर है, लानत है एडवेंचर पे यार। यार बीवी के साथ हो, बेगम के साथ हो एडवेंचर। तो फिर बीवी कहां है आपकी बीवी? यार आप ज्यादा नहीं चिपको, थोड़ा सा उधर हो जाओ। क्या मैं तो दूर हूं? हां दूर हो गए, मैं तो दूर हूं। आप क्या कैसे नाथ से बोलो, शर्म नहीं आती आपको? आप क्या कहना चाह रहे हैं बिल्कुल? कहना क्या चाहते हो भाई, कहना क्या चाहते हो आप समझ जाए जो हम कहना चाहते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये वीडियो शूट हो रही है, कौन सा एडवेंचर हो रहा है ये? इतनी सी पतली सी जगह यहाँ से जाएंगे कैसे, और अगर यहाँ से स्लिप हो गए तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, तू तो हट गया भाई। जाए 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 आप आगे आगे हम पीछे पीछे, फाद भी कहाँ लेके जा रहे हैं? अगर यहाँ से स्लिप हो गए ना सीधा नीचे जाएंगे और नीचे है पत्थर खतरनाक किस्म के, और देखें मेरे हाथ में कैमरा भी है और ये कैमरा भी तकरीबन 4 किलो का कैमरा होगा, गिम्बल और कैमरा, सही का इम्तहान है ये हमारा। और ये सारी मेहनत पता किसके लिए हो रही है? आप सबके लिए हो रही है। ये खूबसूरत सी नात हम मना रहे हैं आप सबके लिए, तो आपने ज़रूर इस नात को देखना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। उफ अल्लाहु अकबर, अल्लाह ये तो ऊपर पहुँचते पहुँचते ऊपर ही ना पहुँच जाए। ओए बड़ी ख़तरनाक पहाड़ियाँ हैं और पाँव भी स्लिप हो रहे हैं, पाँव नीचे से गीले होके आए समुंदर के पानी से।
अभी पहाड़ पे चढ़ रहा हूं ऊपर मत देखो। अच्छा नीचे देखो, उससे क्या होगा बैलेंस सही रहेगा। ओए यहाँ से फिर खतरनाक जगह आ गई, देख के आना। वाह इसी के लिए तो ऊपर आए भाई साहब, सीन चेक करें। एक आर्टिस्ट बाकी सब डायरेक्टर यहाँ खड़े। दो कसाईयों में मुर्गी हराम हो जाती है, और ये एक दो तीन चार पाँच छः कसाईयों में क्या होगा। अल्लाह ने अर्श पे बुलवाया, कुर्बत का शरफ उनको बख्शा। ये अगर नीचे गिरेगा तो क्या होगा। कोरस आगे बढ़ा रहा हूं मैं अब। फा मोहम्मदुना है इसके बाद, फा मोहम्मदुना हुआ सईदुना, आखिरी शेर। काजन में नीचे जाने, चल के जाने की जरूरत नहीं, लुढ़कते हुए चले जाए। चले चले डन हो गया। तमाम शॉट्स कंप्लीट हो चुके हैं, कैमरे के अभी हम लेने लगे ड्रोन शॉट्स। सबकी प्लेसिंग बता दी गई है, सारे अपनी प्लेसिंग पर हैं, और ड्रोन भी हमारा फ्लाई हो चुका है, अभी लेने वाले हम ड्रोन शॉट्स। चलो भाई ड्रोन कहाँ है। तो गाइस फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त के बाद, बहुत ज़्यादा आजमाइशों और मुश्किलात के बाद, हमारा यूट्यूबर्स नाथ पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, और सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। मैं यहाँ पर अकेला अपने शॉट दे रहा था, सारे यहाँ से जा चुके हैं, ये मिशकात भाई जा रहे हैं, और बाकी सब मुस्तफ़ा भाई, इबाद भाई गाड़ी में बैठकर जा चुके हैं, और अभी हमने उनको ज्वाइन करना है। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अभी मिशकात भाई मैं कह रहा था कि उम्मीद हो, सबकी हालत ख़राब हो गई। हाँ। दो मर्द के बच्चे हैं जो अभी दो मर्द के बच्चे, और अभी हम शाम तक भी रह सकते हैं, इतनी एनर्जी है भाई। एनर्जी बहुत है यार हमारे अंदर, इतनी एनर्जी है हम चार शादियां कर सकते हैं इंशाल्लाह। अरे हमारी तो एक भी नहीं हुई अभी। चलो जाओ ड्रोन के शॉट दे दो फटाफट। तो अभी मिशकात भाई के ड्रोन के शॉट होंगे। इस व्लॉग को यहीं पर मैं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल तलहा महमूद व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर आपके कमेंट अच्छे होंगे तो फिर मैं मज़ीद भी व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तलहा महमूद को इजाज़त दें।